जिला कोडरमा मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर सुदूरवर्ती गांव डोमचांच प्रखंड के ढोड़ाकोला पंचायत के हरैया गांव में लगभग 3000 लोग रहते हैं, जहां पे कहुआ नदी पड़ता है। उस नदी में पुल ना होने के कारण नदी के उस पार नलवा टोला के अलावे अन्य 3 गांव के लोग प्रभावित हैं, जहां पे 50 विद्यार्थी विद्यालय से बरसातों में टूट जाते हैं और गर्भवती व धात्री व अन्य बीमार व्यक्ति अस्पताल समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावे अन्य लोग भी कोई विशेष कार्यक्रम या कार्यों में नहीं पहुंच पाते हैं। गांव में स्कूल है, हाई स्कूल का पीछे हमारा नदी नाला पड़ जा रहा है और उस नाला का स्कूल का बाद में हम लोग का 2-4 गांव है, उस गांव का बच्चा सब वही स्कूल में हरैया स्कूल में सब पढ़ने लिखने जाता है। एक नदी में तो करीब 5 बजे संज्ञा के आदिवासी तो बह गया है, 9 बजे रात में इसको छाँक करके लाश निकाल दिया है। मार्केट से आ रहा था और मार्केट से आ रहा था बेचारा एकदम बरसम पानी मार दिया और 5 बजे संज्ञा को बह गया, 9 बजे रात को लाश निकाला है। अभी जो नया मंत्री महोदय कि हमसे जवान की यह जो चुनाव का जीत करके सबसे पहले ढोड़ाकोला पंचायत में आई तो बात किए कि सबसे पहले अपना फंड विकास हम हरैया नदी का करेंगे। आज देखिए अभी तक पूरा समाज का बीच में पूरा पंचायत का जनता ग्रामीण जनता का सामने बात की है कि सबसे पहले अपना विकास हम हरैया नदी में करेंगे और उसी नदी में हम उद्घाटन करने के लिए जाएंगे। अभी तक देखिए हमारा मंत्री महोदय कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आप इसके लिए किन कौन से विभाग को जानकारी दी? इसके लिए हमारे DC साहब भी आए हुए थे एक बार, राजेश शर्मा जी उनको भी आए और नहीं फिर ये आए थे अबर जो है हमारे संजय कुमार बेसरा जी वो भी उस पार से निरीक्षण करके यहाँ समझ गए। आप अपने विभाग को लिखित जानकारी दिए हैं? अपने विभाग को भी हम जानकारी दे दिए हैं, वो लोग तो आते भी रहते। तो क्या बोला विभाग आपका? विभाग हमारा बोलता था ये तो ऊपर का चीज है। अतः इस वीडियो देखने वाले आप तमाम दर्शकों से मैं नम्र अपील करती हूं कि जिला कोडरमा के DC महोदय जिन संजीव कुमार बेसरा जिनका नंबर है 9934935997 पर कॉल कर इस समस्या से अवगत कराएं ताकि जल्द से जल्द उस नदी में पुल बन सके और वहां के बच्चे विद्यालय से जुड़ सके एवं गर्भवती धात्री एवं अन्य लोग शिक्षा स्वास्थ्य एवं अन्य कार्यों से जुड़ सके। मैं विंती विश्वकर्मा जिला कोडरमा झारखंड इंडिया अनहर्ड के लिए।